हृद मधुर विसद वक्काणम अंतातीत गुणाणम रमोजिडाणम जिद भवाणम। रमोजिडाणम मित्रों, मैं डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की इस व्याख्यान श्रृंखला दो में, जो कि प्राकृत दिवस शुद्ध पंचमी, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी 27 मई को आने वाली है, उस उपलक्ष में ये हम व्याख्यान श्रृंखला चला रहे हैं। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस बात से कि जो हमने पहल की और पहली श्रृंखला जिसमें जैन विद्या एवं प्राकृत के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी वाराणसी ने प्राकृत भाषा के वैभव के बारे में हमें अपने व्याख्यान द्वारा लाभान्वित किया। उन्होंने कई बिंदु बताए प्राकृत भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में एवं इतिहास के बारे में प्राकृत के, एवं भविष्य में हम प्राकृत को किस रूप में आगे ला सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, इस बारे में उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे रूप में बताया। और मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप सभी ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, प्रतिक्रियाएं दी हैं, हमें मैसेज आए हैं, फोन आए हैं इस प्रोग्राम के लिए बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, इस पहले जो श्रृंखला हुई है हमारी उसके लिए शुभकामनाएं देने के लिए कि बहुत अच्छी पहल आपने स्टार्ट की है। और कई लोगों ने कहा है कि लॉकडाउन का इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता है कि हम अपनी प्राचीन भारतीय भाषा को जानने समझने का मौका इतने बड़े बड़े वरिष्ठ विद्वानों से हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमारी बस एक छोटी सी कोशिश है, और मैं आपको बता दूं कि ये आयोजन पागत भाषा, जो कि विश्व की पहली प्राकृत मैगजीन है, समाचार पत्र है, जिसके संपादक प्रोफेसर अनेकांत कुमार जी जैन जी दिल्ली हैं, एवं प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर जो है उस, इन दोनों के तत्वाधान में इस परिचर्चा को, श्रृंखला ये व्याख्यान श्रृंखला को चलाया जा रहा है। तो हम आज भी दूसरे श्रृंखला में प्राकृत भाषा के ही एक अन्य रूप को, एक अन्य उसके पहलुओं को जानने के लिए हम आज यहाँ पर दोबारा से उपस्थित हुए हैं। आज हम प्राकृत कथा साहित्य के वैशिष्ट्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्राकृत भाषा में अनेक कथा ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, लिखे गए हैं, जिनमें कुछ पद्य भी हैं, कुछ गद्य भी हैं। और पद्य में लिखे गए जो काव्य, कथा काव्य है, वो काव्यात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कथाओं की शैली और विविधता ही प्राकृत साहित्य की एक अपने आप में आकर्षण लाता है, और यही उसकी प्रसिद्धि है। और अगर हम देखें तो आगम काल से लेकर वर्तमान युग तक प्राकृत भाषा में अनेक कथाएं लिखी जाती रही हैं, और ये अपने आप में एक समग्र रूप में एक वाङ्मय जो है हमारा बहुत समृद्ध है। अगर हम आगम की बात करते हैं तो आगम ग्रंथ में कथा साहित्य के तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो हम जो सातवां अंग है, अंग आगम, ज्ञाता धर्म कथा, उसमें पर्याप्त मात्रा में कथा तत्व मिलते हैं हमारे, जो कि अर्धमागधी प्राकृत में है। और प्राकृत आगम पर जो व्याख्या साहित्य लिखा गया है उसमें भी कई छोटी छोटी कथाएं आई हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत कथा साहित्य की अध्ययन की दृष्टि से व्याख्या साहित्य भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसी विषय पर जानेंगे। आज का हमारा विषय है प्राकृत कथा साहित्य का वैशिष्ट्य, और इस विषय पर अपने विशेष व्याख्यान के लिए आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं जैन विद्या एवं प्राकृत के देश विदेश में प्रसिद्ध मूर्धन्य विद्वान एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं बौद्ध अध्ययन एवं अहिंसा केंद्र के मानद निदेशक, और साथ ही राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र श्रवण बेलगोला के पूर्व निदेशक
और अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत, साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर, आदरणीय प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने देश विदेश में जैन विद्या एवं प्राकृत विद्या का डंका बजाया है, परचम लहराया है। उन्होंने 1984 में अमेरिका और 1990 में यूरोप की यात्रा के दौरान विश्व धर्म के जो सम्मेलन होते हैं उसमें जैन विद्या एवं प्राकृत के विविध आयामों पर व्याख्यान दिए हैं और इसकी प्रभावना की है। और आज हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस पहल के लिए हमें आशीर्वाद दिया एवं हमारी आमंत्रण को, हमारे आग्रह को स्वीकृति प्रदान करके आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं इस परिचर्चा के लिए। और मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आज का विषय है प्राकृत कथा साहित्य का वैशिष्ट, इस विषय पर अपने विचार प्रदान करें और हमें लाभान्वित करें। सर, स्वागत है आपका। मैं कैमरा हूं। जय जिनेंद्र अनुराग जी और सभी सुनने वाले, इस परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी विद्वज्जन और सभी श्रोतागण, आज का जो विषय श्री अनुराग ने हमें दिया है वह है प्राकृत कथा साहित्य का वैशिष्ट। वास्तव में यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की सीमा के हिसाब से कुछ बातें आपसे इस संबंध में करना चाहता हूँ। उसके पूर्व जो हमारा ये प्राकृत साहित्य का जो श्रुत ज्ञान है उसको नमस्कार करना चाहूँगा। अरिहंत भाषी अर्थम गणहर देवे ही गंथियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान महोदयम सिरसा। ये श्रुत पंचमी के उपलक्ष में ये जो व्याख्यान माना शुरू की गई, हमारे आचार्यों ने उसी श्रुत ज्ञान रूपी समुद्र को नमस्कार किया है। वास्तव में ये श्रुत ज्ञान जो है ये प्राकृत साहित्य से प्रारंभ होकर के भारत की सारी भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में आज हमारे सामने उपलब्ध है। जब हम प्राकृत कथा साहित्य के वैशिष्ट पर चर्चा करते हैं तो उसके पूर्व प्राकृत भाषा और प्राकृत साहित्य के संबंध में भी जानकारी होना चाहिए। और इस विषय पर अभी पूर्व व्याख्यान में, पहले व्याख्यान में प्रोफेसर डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी ने इस पर विस्तार से चर्चा आपके सामने की। वास्तव में हम देखें तो जो इस देश में, इस विश्व में जो भाषाएं प्रचलित हैं वे भाषाएं कई प्रकार के लक्ष्य को लेकर के प्रचलित हैं। और उन भाषाओं में अगर हम कहें कि हमारे देश की जो प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है वो बहुजन पंडित समाज की बड़ी नियमबद्ध भाषा है, और आज जो हमारे वर्तमान युग है जिसे हम विज्ञान की भाषा कहते हैं, कई भाषा है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो प्राकृत न धन की भाषा है न विज्ञान की भाषा है, प्राकृत हमारे मन की भाषा है। क्यों? बहुत सी भाषाएं सम्मान के लिए, अपने मान बढ़ाने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, उनका उपयोग किया जाता है, लेकिन मान और अभिमान से रहित प्राकृत वास्तव में सम्मान और ज्ञान की भाषा है। इसी प्रकार से आज की बहुत सी भाषाएं, जैसे आजकल का हमारा जो मीडिया है वो कहता है कि ये बाजार की भाषाएं, लेकिन वास्तव में प्राकृत बाजार की नहीं बल्कि घर परिवार की भाषा है। तो इस तरीके से प्राकृत भाषा हमारे जनजीवन से जुड़ी हुई है और हमारे लोक जीवन को प्रस्तुत करने वाली है। ऐसी इस भाषा में जो साहित्य लिखा गया है वह साहित्य आज पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है। उसी विषय पर मैं कुछ चर्चाएं आपसे करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि प्राकृत भाषा का जो साहित्य है, प्राकृत भाषा का जो परिचय है उसमें कई विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। डॉक्टर जगदीश चंद जैन, डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री, डॉक्टर A.N. उपाध्याय, डॉक्टर हीरालाल जैन, डॉक्टर पंडित दलसुख मालवणिया,
इन लोगों ने बहुत अपना जीवन लगा करके प्राकृत भाषा और उसके साहित्य और उसकी विविधता को हमारे सामने उपस्थित किया है। वर्तमान में भी लोग इस भाषा के प्रचार में हमारे सामने लगे हुए हैं। हम जब प्राकृत कथा साहित्य पर चर्चा करते हैं तो जैसा अभी अरहंत अनुरागी ने कहा कि वास्तव में हमारा प्राकृत कथा साहित्य आगम साहित्य से प्रारंभ हो गया था। आगम के जो ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं बहुत लंबे चौड़े ग्रंथ हैं, बहुत विविध ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को हमने चार भागों में विभाजित किया है। उन ग्रंथों का जो विषय है वो चरणानियोग से संबंधित है, जिसमें हमारे आचरण संबंधी और हमारे भौगोलिक संबंधी विवरण है। दूसरा जो उसका विषय है धर्म कथानुयोग है, और तीसरा विषय उसका गणतानुयोग है, और चौथा विषय द्रव्यानुयोग है। तो आज जो हमारा ये चर्चा का विषय है वो धर्म कथानुयोग से संबंधित है, और इस विषय पर विद्वानों ने बड़ा काम किया है। हमारे एक मुनि हुए हैं पंडित मुनि कन्हैयालाल कमल, उन्होंने सारे पूरे आगम साहित्य और व्याख्या साहित्य को चार भागों में विभाजित करके उन्होंने धर्म कथानुयोग करके एक दो भागों में एक संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें संपूर्ण आगमों की जो कथाएं हैं वो कथाएं उसमें संग्रहित हो गई हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि ये धर्म कथानुयोग जो उन्होंने तैयार किया था उसकी भूमिका लिखने का भाग्य सौभाग्य मुझे उन्होंने दिया। और उस भूमिका को जब मैंने लिखा तो मुझे पता चला कि आगम साहित्य का जो प्राकृत कथा साहित्य है वो बहुत ही सशक्त है और विविध है और हमें कई प्रकार की शिक्षा देने वाला है। उस प्राकृत कथा साहित्य में, आगम के प्राकृत कथा साहित्य में हमें उत्तम पुरुषों की कथाएं हैं, तीर्थंकरों की कथाएं हैं, अच्छे अच्छे श्रमणों की कथाएं हैं, जो साध्वियां हैं श्रमणी हैं उनकी कथाएं हैं, जो गृहस्थ हैं श्रमणोपासक हैं उनकी कथाएं हैं, और हमारे समाज के जो लोकनायक हैं चरित्र नायक हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को चलाया है, ऐसे लोक कथानक हमें उस साहित्य में प्राप्त होते हैं। तो आगमों के कथा साहित्य के संबंध में ये चर्चा विद्वानों ने की है। इसी प्रकार से हमारे प्राचीन विद्वान हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर A.N. उपाध्याय, उन्होंने बृहत कथा कोष एक ग्रंथ का संपादन किया और उसकी भूमिका 150 पृष्ठों में लिखी। उन 150 पृष्ठों में जो भूमिका उन्होंने लिखी उसमें संपूर्ण दिगंबर साहित्य जो था, सौरसेनी साहित्य और जो प्राचीन साहित्य जो था, उसमें जितनी कथाएं थीं प्राकृत की कथाएं, उन पर उन्होंने चर्चा की और उसका हिंदी और उसका अंग्रेजी में सामग्री हमारे सामने उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आगम युग का जो प्राकृत कथा साहित्य था वह हमारे सामने उपस्थित होकर के आया है। उस कथा साहित्य में इतनी कथाएं हैं कि उन सब की चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन जब हम वैशिष्ट पर बात करते हैं कि आगम का जो कथा साहित्य है वो हमारे लिए कितना विशिष्ट है, तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं और ये जो प्रसंग हमारे सामने है, हम कोरोना से पीड़ित हैं और लॉकडाउन के युग में हम लोग सब जीवित हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस युग में समाज सेवा का कितना महत्व है कि व्यक्ति को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए समाज के लोग बहुत आगे आ रहे हैं। इन प्राकृत कथा साहित्य में जो हमें आगम साहित्य में प्राकृत कथाएं मिलती हैं उसमें भी हमें समाज सेवा के कई उदाहरण, कई दृष्टांत, कई कथानक हमें प्राप्त होते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध कथानक है नंद मणिकार का। नंद मणिकार एक स्वर्णकार था जो व्यापारी था और बहुत अच्छा समृद्ध था, और उसकी जो नगरी थी उस नगरी में चारों तरफ से लोग आते थे, लेकिन वो आकर के जो व्यापारी लोग थे, जो पथिक लोग थे, सीधे नगर में घुस जाते थे। उस व्यक्ति ने सोचा मेरा इतना सुंदर नगर है, बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, इनके सत्कार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी संपत्ति जो थी उस संपत्ति से अपने नगर के दरवाजे पर उसने 5-6 ऐसी दुकानें खुलवा दी। उसने एक दुकान खुलवा दी छौरशाला कि जो व्यक्ति आए अपने बाल कटा करके अपना श्रृंगार करके मेरे नगर में प्रवेश करे। एक उसने वहां पर व्यायामशाला कि जो आए अपना योग करके अपना अनुशासन करके फिर मेरे नगर में प्रवेश करे। एक उसने वस्त्रालय खुला दिया कि कोई व्यक्ति आए तो मैले कुचैले कपड़े पहन करके मेरे नगर में प्रवेश न करे। और एक उसने आहारशाला खुलवा दी कि लोग आए तो भूखे होकर के मेरे नगर में न जाए,
अपने संतुष्ट होकर के मेरे नगर में प्रवेश करें। अब इतनी बड़ी समाज सेवा की बात आज से 2000 साल पहले नंद मणिकार ने स्वीकार की थी, प्रारंभ की थी। लेकिन देखिए कि हमारे जो मुनिजन हैं, हमारे जो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो सब तरह की उपदेश की भाषा करते हैं। उन्होंने नंद मणिकार को कहा कि भाई तू जितना काम ये कर रहा है इससे प्रवृत्ति बढ़ेगी, आरंभ बढ़ेगा और तुझे इससे पाप का अर्जन भी हो सकता है। उसने कहा साहब मुझे कोई चिंता नहीं है, व्यक्तिगत अजय मुझे कर्मों का बंध होता है और मुझे कई जगह जाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे नगर के लोगों का, मेरे आसपास आने वाले लोगों का जीवन अच्छा होता है तो मुझे ये सामाजिक सेवा स्वीकार करना बहुत जरूरी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको करूँगा। ये कथा बहुत आगे चल के और विकसित होती है और वो भगवान महावीर के द्वारा मेंढक के रूप में उनसे फिर मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यह पहला हमारे पास जो कथा है भारतीय साहित्य में, वो पर्यटन को बढ़ावा देने की पहली कथा है। किस प्रकार से हम अपने नगर में, अपने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, यह कथा हमें एक विशिष्टता प्रदान करती है। इसी प्रकार से जब हम आगम की कथाओं को देखते हैं, आज बड़ी चर्चा है और सब जगह चर्चा है, सभी क्षेत्रों में चर्चा है कि नारी की जो प्रतिष्ठा है, नारी का जो सम्मान है, नारी की जो सशक्तिकरण है, इसकी चर्चा है और ये होना चाहिए। हमारे प्राकृत के जो कथाकार रहे, प्राकृत की जो कथाएं हमें प्राप्त होती हैं, मैं उन सारे उदाहरणों को यहाँ उपस्थित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जहाँ कुछ मैंने इस पर चर्चा की, अध्ययन किया है, तो हमें इन प्राकृत की कथाओं में इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में एक कथा हमें महासती चंदनवाला की मिलती है, वह कथा प्रसिद्ध है, इसलिए मैं चर्चा में यहाँ नहीं लाना चाहूँगा। उसने भगवान महावीर को पहला उन्होंने आहार दिया था और वो उनकी पहली शिष्या, नारी समाज की शिष्या समणी बनी थी। तो ये केवल उनको शिष्य बनाने की, शिष्या बनाने की कथा नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि नारी को सम्मान और नारी को स्वतंत्रता कैसे दी जाए, जो परतंत्रता में झगड़ी हुई थी उसको स्वतंत्र कराने की जो कथा है, ये चंदनवाला के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इसी प्रकार से नारी में कई प्रकार के गुण हैं, उन गुणों को कैसे पहचान है, तो हमारे प्राकृत कथा साहित्य में, आगम के कथा साहित्य में एक रोहिणी की कथा आती है और प्रसिद्ध कथा है, इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं करता। उसमें एक सेठ अपनी चार बहुओं की गुणों की प्रतीक्षा करना चाहता है, जोड़ों की परीक्षा करना चाहता है और जो सर्वश्रेष्ठ गुण वाली नारी है उस नारी को अपनी पूरी संपत्ति का अधिकार दे के ग्रह की स्वामिनी बना देता है। तो नारी की गुणवत्ता को प्रदान करने वाली ऐसी कथाएं हमारे प्राकृत साहित्य में हैं। इसी प्रकार से हम मानते हैं कि नारी बहुत कमजोर है, नारी अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन इसी प्राकृत कथा साहित्य में हमें उत्तराधन सूत्र है, उसमें राजमती और अरिष्टनेमी की कथा प्राप्त होती है। राजमती एक राजकुमारी थी और वो तपस्या करने के लिए पर्वत पर चली गई और वहाँ पर उसी के ही देवर जो अरिष्टनेमी हैं उसके रूप रंग पर आकर्षित होकर और उससे अपना इच्छा पूर्ति करना चाहते थे, लेकिन उस नारी ने इतनी शक्ति अपने भीतर रखी, इतनी शील की सामर्थ्य अपने भीतर रखी कि स्वयं भी अपने शील की रक्षा की और अरिष्टनेमी को भी उसके शील में प्रतिष्ठित करके और इस जो कुमार्ग पर जाने वाला था उससे बताया। तो नारी को सशक्तिकरण की कथाएं भी हमें इस प्रकार से मिलती हैं। एक मल्ली कुमार की कथा हमको मिलती है, मल्ली कुमारी की। उसने भी छह देशों के जो राजकुमार हैं जो केवल उसके बाहरी रूप पर आकर्षित होकर के उसको पाना चाहते थे, उसको समझाने के लिए उसने सुंदर कथानक का प्रयोग किया और उन सभी राजकुमारों को समझा करके उनमें जो आपसी लड़ाई होने वाली थी, युद्ध होने वाला था, उसको बचाया। तो इस प्रकार के नारियों के चरित्र को ऊपर उठाने वाली कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। दूसरा, हम जब आगम कथा साहित्य में बात करते हैं तो हमें एक बड़ी सुंदर कथा मिलती है। आज सारे विश्व में युद्ध का वातावरण है, एक दूसरे से संघर्ष का वातावरण है, एक दूसरे के अधिकार को छीनने का वातावरण है। ऐसे में हमें एक कथानक, प्रसिद्ध कथानक मिलता है, भरत और बाहुबली का कथानक। ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है। भरत पूरे सम्राट का, पूरी पृथ्वी के सम्राट हो गए, चक्रवर्ती हो गए, लेकिन उनकी सीमा
यहाँ तक थी कि वो अपने सारे भाइयों पर भी अपना अधिकार चाहते थे, बाहुबली का राज्य भी अपने में मिलाना चाहते थे, भले उनकी कोई परिवस्था थी लेकिन इसके लिए उन्होंने युद्ध भूमि तैयार कर दी थी। और बाहुबली जो इतने सशक्तशाली थे, उन्होंने पहली बार प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े चक्रवर्ती के सामने वो स्वयं खड़े हो गए कि नहीं, मुझे जो अधिकार है, मुझे जो पिता ने दिया जो राज्य है, उसकी मैं रक्षा करूंगा, भले मुझे तुम्हारे सामने खड़ा होना। लेकिन इसके आगे भी ये कथा चलती है और वो कहती, भले दो भाइयों का झगड़ा हो लेकिन दो विश्वों का, दो राज्यों का, दो सेनाओं का झगड़ा नहीं हो, उनकी जनहानि नहीं हो। तो उन्होंने उस युद्ध को अहिंसक युद्ध बना दिया। ये सारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये पहला कथानक है जो युद्ध को अहिंसक बनाता है। युद्ध भी अहिंसक हो सकता है, उसकी ये पहली कथा है कि वो दोनों भाइयों ने आपस में अपने मल्ल युद्ध है, जल युद्ध है, ऐसे नेत्र युद्ध है, दृष्टि युद्ध है, इसको करके अपना निर्णय करने का प्रयत्न किया। तो इस प्रकार से प्रजातंत्र की रक्षा करने वाले और युद्ध को अहिंसक बनाने वाली कथाएं भी हमें इस साहित्य में प्राप्त होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो आगम कथा साहित्य है, वो आगम कथा साहित्य हमें कई प्रकार की शिक्षाएं देने वाला, कई प्रकार की विशेषताएं रखने वाला साहित्य हमारे सामने उपलब्ध है। मैं आगे अपने इस और कथाओं पर चर्चा करूँ, इस संबंध में अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। आदरणीय प्रोफेसर साहब, प्राकृत कथा साहित्य बहुत विशाल है, उसमें आज के जीवन के आपने प्राकृत कथा साहित्य की महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। क्या प्राकृत कथा साहित्य पर आपके कोई पुस्तकें भी प्रकाशित हैं? कृपया उनकी जानकारी देंगे। अभी श्रीमती डॉक्टर सरोज जैन ने, जो स्वयं ही प्राकृत कथाओं की विदुषी हैं और जिन्होंने प्राकृत कथा साहित्य पर काम भी किया है, उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न रखा कि जिस हम कथा साहित्य पर, प्राकृत कथा साहित्य के वैशिष्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्या उस पर कुछ साहित्य भी मैंने लिखा है, कुछ काम भी किया है? तो ये सही बात है कि बिना काम किए हम किसी विषय पर नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने प्राकृत कथा साहित्य का, जैसा कि अभी कहा कि आगम कथा साहित्य का जो संग्रह निकला, उसकी भूमिका लिखने का सौभाग्य मुझे मिला, और वो आगम कथाकोश नाम से मेरी एक किताब पहले छपी हुई थी। उसके बाद प्राकृत कथा साहित्य परिशीलन ये नाम की एक किताब है, जिसमें प्राकृत कथा साहित्य के संबंध में विस्तार से जानकारी और विभिन्न उसकी जो वैशिष्ट हैं उनकी जानकारी इसमें दी गई हुई है। आज से 25 वर्ष पूर्व ये किताब जयपुर से छपी थी और इस पर प्राकृत कथा साहित्य पर काम किया गया। उसके बाद फिर मैंने कुछ प्राकृत कथा साहित्य की जो पांडुलिपियाँ हैं, उन पांडुलिपियों पर काम किया। एक सुकुमार स्वामी चरियो प्राकृत अपभ्रंश साहित्य का एक कथा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये ग्रंथ भी मैंने संपादन किया, जो जयपुर में अपभ्रंश भारती से ये प्रकाशित हुआ। तो प्राकृत कथा साहित्य और अपभ्रंश कथा साहित्य पर ये चर्चाएँ की हैं। और अभी मैंने 2-4 वर्ष पूर्व जो कुबलय माला कहा है, 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ग्रंथ, उस ग्रंथ का संपादन और हिंदी में अनुवाद किया है, जो 1200 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। ये जयपुर से प्रकाशित हुआ है, 2 भागों में प्रकाशित है, और इसमें प्राकृत कथा साहित्य के सांस्कृतिक महत्व, इन सब पर चर्चाएं की हैं। वो इसीलिए प्राकृत कथा साहित्य पर बोलने के पूर्व हमने ये प्रयत्न किया है कि प्राकृत कथा साहित्य पर काफ़ी चर्चा हो और उसका साहित्य लोगों के सामने उपलब्ध हो। एक बात और हुई है कि प्राकृत कथा साहित्य पर विदेशी लोगों ने भी बड़ा काम किया है, और जो हमारी प्राकृत की कथा साहित्य हैं, जैसे कि अभी मैंने चर्चा की रोहिणी कथानक की, और कनाडा में एक जो विदुषी हैं फाइलस ग्रोनिप, उन्होंने एक किताब प्रकाशित की थी जिसमें जितनी भी नारियों की कथाएँ हैं, उन कथाओं के द्वारा से प्राकृत कथाओं ने क्या क्या शिक्षा दी है, इस पर ये संग्रह निकाला। इसमें मैंने
एक कथा रोहिणी कथा पर मेरा एक आलेख इसमें उन्होंने प्रकाशित किया और जो सारे विश्व में जो नारी की कथाओं के संबंध में चर्चा करती हैं उस पर ही ये प्रश्न हमने डाला गया। तो इस तरीके से कई विद्वानों ने, मैंने जो काम किया कई विद्वानों के आधार पर किया, जैसा कि मैंने कहा था कि डॉक्टर जगदीश चंद जैन ने प्राकृत कथा साहित्य पर काफ़ी काम किया है, उनकी एक किताब है प्राकृत नैरेटिव लिटरेचर ओरिजिन एंड ग्रोथ, इस पर उन्होंने अंग्रेजी में प्राकृत कथा साहित्य पर काफ़ी काम किया। प्राकृत जैन कथा साहित्य एक एलडी इंस्टीट्यूट से डॉक्टर जगदीश चंद जैन की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्राकृत कथाओं की चर्चा है। एक उन्हीं की किताब है 2000 वर्ष पुरानी कहानियाँ, और उसमें 2000 से पहले की जो हमारी कहानियाँ थी प्राकृत की उनकी चर्चा उन्होंने की। वो किताब कई साल पहले प्रकाशित हुई थी, अभी भी उपलब्ध हुई है। डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ने हरिभद्र के कथा साहित्य का परिशीलन करके एक किताब वैशाली से प्रकाशित की है, और उसमें आचार्य हरिभद्र ने जिन प्राकृत कथाओं की चर्चा की है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इस तरीके से प्राकृत कथा साहित्य पर कई लोगों ने काम किया है, मैंने भी जो मुझसे हो सका उसमें थोड़ा बहुत लिखने का प्रयत्न किया। जैसा कि आपने सरोज जी ने पूछा तो मैंने थोड़ी सी जानकारी इस संबंध में आपको दी। अभी अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है प्राकृत की पुरुषार्थ कथाएं, इसमें जो भी हमारे पुरुषार्थी पुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके लिए पुरुषार्थ किया, ऐसी कथाओं का संग्रह इसमें हमने किया है। और इसी प्रकार से एक किताब डॉक्टर सरोज जैन ने भी लिखी है अहिंसा और शील की कथाएं, उसमें अहिंसा की जितनी कथाएं हैं उनका संग्रह है और शील रक्षा की जितनी कथाएं हैं उनका संग्रह है। तो इस प्रकार से प्राकृत कथा साहित्य पर काफ़ी लोगों ने काम किया और उसके संबंध में संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। आगे की जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि इन आगम कथा साहित्य के बाद स्वतंत्र कथा साहित्य भी हमारे यहाँ लिखा गया, और स्वतंत्र कथा साहित्य में कई लोगों ने, कई हमारे आचार्यों ने प्राकृत की कथाओं को लिखा। उस कथा साहित्य को देखते हुए जो विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने इस पर कार्य किया है, प्रोफेसर हर्टले और प्रोफेसर विंटरनिल्स, इन्होंने कहा है कि अगर प्राकृत का कथा साहित्य नहीं होता तो भारत की बहुत सी कथाएं लुप्त हो जाती। उन्होंने भारतीय लोक कथाओं को जिंदा रखने का प्रयत्न अगर किया है तो इन जैन कथाकारों ने किया है। उसमें पंचतंत्र का हम लोग सब नाम सुनते हैं, पंचतंत्र की कथा, अभी पंचतंत्र की कथा का जो विकास हुआ है वो जैन परंपरा के द्वारा हुआ, उस पर कई विद्वानों ने कार्य किया है। अभी समय कम है उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन इन प्राकृत कथाओं की विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरी कथाओं को भी हमारे सामने महत्व दिया है। दूसरा, प्राकृत कथा साहित्य की एक विशेषता यह रही, जो कि मैं कई बार कहता हूँ कि ये प्राकृत कथा साहित्य या प्राकृत के जो साहित्यकार हैं या प्राकृत के जो चिंतक हैं, प्राकृत का जो समाज है, वो इस भारतवर्ष में आज तक जिंदा क्यों है, आज तक उसको जीवंतता क्यों मिली है, तो उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने भारतवर्ष की जो लोक कथाएं थी, लोक में जो प्रचलित चरित्र थे उनको जिंदा रखने का प्रयत्न किया। जैसे उदाहरण के तौर पर राम कथा और कृष्ण कथा हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है, अभी रामायण भी चल रहा है, महाभारत भी चल रहा है, ये रामायण और महाभारत की जो कथाएं हैं ये कैसे हमारे बीच तक अभी तक आ गई? तो केवल ऐसा नहीं था कि वाल्मीकि ने लिख दिया और तुलसीदास ने लिख दिया और वो राम कथा जिंदा रह गई, इस बीच में 2000 वर्षों में कई जैन आचार्यों ने राम कथा के ग्रंथ लिखे हैं, और वो कथा ग्रंथ इतने प्रसिद्ध रहे कि उन्होंने राम कथा को अपनी दृष्टि से अपनी समाज में अपने पाठकों के बीच में जिंदा रखा। और उसमें जो हमारी कृष्ण कथा है उसमें प्राकृत का सबसे पहला ग्रंथ मिलता है वसुदेव हिंडी। वसुदेव हिंडी का अर्थ यह है कि जो कृष्ण के पिताजी थे वसुदेव, और हिंडी का मतलब होता है भ्रमण, घूमना, तो वो सारे देश में सारे विश्व में घूमे, तो उनका जो भ्रमण था उस भ्रमण की कथा उसमें आई है। और इस प्रकार से कृष्ण कथा को एक नया जन्म प्राकृत कथाकार वसुदेव हिंडी में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से दूसरी शताब्दी के एक कवि हुए हैं विमल सूरी, उन्होंने पौमचर्यम नाम का ग्रंथ लिखा। पौमचर्यम का मतलब है पद्मचरित, पद्म कहते हैं राम को, राम का दूसरा नाम है पद्म।
तो पहली प्राकृत की कथा जो हमें प्राप्त होती है वो पद्मचरित के रूप में हमें प्राप्त होती है, फिर ये राम कथा आगे जाके विकसित होती रहती है। अपभ्रंश में भी पवनचर्य नाम के ग्रंथ लिखा गया, संस्कृत में पद्मचरित लिखा गया, और आगे चल के सियाचरित, रामचरित, ऐसे कई जैन कथाकारों ने हमारे सामने चरित लिखे। तो इस प्रकार से हमारी जो लोक कथाएं थी, लोक में प्रचलित कथाएं थी, उनको जीवित रखने का प्रयत्न इन भारतीय जो प्राकृत की कथाएं थी उनकी ये विशेषता रही है कि उन्होंने लोक कथाओं को हमारे सामने जीवित रखा है। एक और ग्रंथ हमें प्राप्त होता है और वो ग्रंथ है भगवती आराधना, चौथी शताब्दी का ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में कई कथाएं 128 कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। और आप देखें कि कथाएं जीवन में कैसे प्रचलित थी, इसका उदाहरण अगर है तो वो भगवती आराधना है। उसमें लेखक ने क्या किया कि एक प्राकृत की गाथा दी और उसमें कह दिया कि जैसे अहिंसा में ये प्रचलित थे उसी प्रकार से आपको भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। कथा का केवल नाम लिया, उन्होंने कथा पूरी नहीं लिखी। ऐसी 28 कथाएं, 128 कथाएं उन्होंने अपने ग्रंथों में उद्धृत कर दी। अब बताइए इसकी क्या जरूरत थी कि केवल कथा का नाम लेना है। सुकमाल मुनि जैसे तपस्या में बहुत प्रसिद्ध रहे वैसे आप भी तपस्या में प्रसिद्ध बने। अब सुकमाल मुनि कौन जानता था, इसका मतलब ये था कि उस चौथी शताब्दी में ये कथाएं हमारे मुंह मुंह पर जवानी हमको याद थी, लोग समझते थे, उन कथाओं को पढ़ते थे, जानते थे, इसलिए उन्होंने केवल नाम लिया। आगे चल के जो भगवती आराधना में जो कथाएं हैं उसके आधार पर आगे चल के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। हमने भी एक यहाँ उदयपुर में एक ग्रंथ भगवती आराधना पर एक संगोष्ठी की थी और वो भगवती आराधना परशीलन करके ये ग्रंथ उसका प्रकाशित किया है। इसमें भगवती आराधना की जो कथाएं हैं उन कथाओं का कहाँ कहाँ विस्तार हुआ, क्या क्या उसकी सांस्कृतिक महत्व है, इस संबंध में चर्चा जो इसमें की गई है। फिर हम जब स्वतंत्र कथाओं में आते हैं तो हमारे सामने 8वीं शताब्दी भारतवर्ष की हमारे सामने आती है, जो सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक शताब्दी जिसको हम कह सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ दो प्राकृत कथाकार हुए, एक आचार्य हरिभद्र सूरी और दूसरे उद्योतन सूरी। हरिभद्र सूरी के शिष्य थे उद्योतन सूरी। हरिभद्र सूरी ने प्राकृत कथाओं पर बहुत काम किया, उन्होंने आगमों पर टीका ग्रंथ लिखे, उन टीकाओं में तरह तरह की कथाएं थी। उपदेशप्रद उनका छोटा सा एक टीका ग्रंथ है, उसमें कई कथाएं उन्होंने उद्धृत की हैं और लोक कथाओं को बचाया है। उनकी प्रसिद्ध कथा है सम्राज कहा, और सम्रादित्य कथा में उन्होंने निदान कथा का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने रखा है। हम आजकल चर्चा करते हैं निगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। वह कथा हमें बताती है कि दो मित्र हैं, एक मित्र ने नकारात्मक सोच कर लिया कि मुझे अपने सामने वाले मित्र ने मेरे साथ इतना इतना दुर्व्यवहार किया तो इसको मुझे हर हमेशा पीड़ा पहुंचानी है, ये नकारात्मक सोच उसने तय कर ली। तो वो उसका वो जो निदान है वो 9 जन्मों तक उसको पीड़ा देता है और 9 जन्मों तक वो अपने मित्र को पीड़ा देता रहता है। और जबकि उसके मित्र सकारात्मक सोच का प्रतीक है, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा मित्र अगर ऐसा सोचता है फिर भी मुझे इसका अच्छा करना है। अब ये जो हमारे पास जीवन मूल्य सामने आया कि हमारे जीवन में दो तरह के जो विचार होते हैं वो एक किस प्रकार से जीवन को खत्म करने वाला होता है और एक किस प्रकार से जीवन को सुखी करने वाला होता है। आज भी हम सोचें, आज हमारे सामने जो संकट है, कोरोना का संकट है, लॉकडाउन को हम अपना सब लोग झेल रहे हैं, इसको हम सकारात्मक सोच रखेंगे कि हमारा दायित्व है कि हमें जनता को भी बचाना है, अपनी जान को भी बचाना है और जनता की जान को भी बचाना है। तो ये तभी हो सकता है जब हम सकारात्मक सोच, जो इसके सही प्रयोग हैं, उनको अपने जीवन में अनुशासन पूर्वक अपनाएंगे। तो इस प्रकार से 8वीं शताब्दी में ये प्राकृत कथाकार हुए, अपभ्रंश कथाकार हुए स्वयंभू, उन्होंने भी राम कथा पर अपनी चर्चा, अपना ग्रंथ लिखा। उसी प्रकार से कृष्ण कथा पर महाकवि पुष्पदंत हुए, जिन्होंने महापुराण हमारे सामने लिखा। संस्कृत में भी आदि पुराण और महापुराण
जिनसेन विद्वानों के द्वारा हमारे सामने लिखे गए, गुणसेन विद्वानों के द्वारा लिखे गए, ये सारा आठवीं शताब्दी का साहित्य हमें जो है पुरुषार्थी बनाने का साहित्य है। हमारे सामने ऐसे नायक, ऐसे पात्र हमारे सामने वो उपस्थित करते हैं जो हमें पुरुषार्थ की शिक्षा देते हैं। उन बड़े पुत्रों की कथाएं हैं जिन्होंने संकटों से डरा नहीं, संकटों को झेलते हुए उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाया, अपने व्यापार को बचाया, आपने अपने आसपास के वातावरण को बचाया। तो वास्तव में ये कहना चाहता हूँ कि आठवीं शताब्दी का जो प्राकृत कथा साहित्य है वो भारत के सांस्कृतिक इतिहास का साहित्य है। उस साहित्य के बिना हम भारतीय संस्कृति का इतिहास नहीं लिख सकते। कहाँ कहाँ विदेश में हमारे साथ क्या व्यापार होते थे, कैसे वहाँ पर हम जाते थे, कैसे वहाँ के लोग आते थे, कैसे रहते थे, लोग क्या खाते थे, क्या भाषा बोलते थे, इन सब की चर्चाएं हमें इस प्राकृत कथा साहित्य में प्राप्त होती हैं। और इस तरीके से हम प्राकृत कथा साहित्य की कई विशेषताओं को अपने बीच में अपने जीवन को सुखी करने में लगा सकते हैं। एक मैं पक्ष और लेना चाहूँगा प्राकृत कथा साहित्य का, और वो प्राकृत कथा साहित्य का पक्ष है कि हमारे प्राकृत कथा साहित्य में खाली धर्म की कथाएं नहीं है, अहिंसा की कथाएं नहीं है, शील रक्षा करने की कथाएं नहीं है, बल्कि प्राकृत कथा साहित्य में बुद्धि कौशल्य की भी कथाएं हैं। बुद्धि की कुशलता क्या है, हमारी उत्पन्न बुद्धि जो है किस प्रकार से प्रत्युत्पन्न बुद्धि, कैसे हम हाजिर जवाबी बने, इसकी कथाएं भी हमें प्राकृत कथा साहित्य में मिलती हैं। आज हम बहुत नाम जानते हैं अकबर बीरबल का नाम, और बीरबल के सामने कोई समस्या हो उस समस्या का वो तुरंत समाधान सामने उपस्थित कर देता था। ये कहाँ से आई, ये प्रवृत्ति कहाँ से आई, कहाँ से अकबर बीरबल की ये कथा पैदा हुई? तो हम देखते हैं कि हमारे प्राकृत कथा साहित्य में बुद्धि चातुरी की ऐसी हजारों कथाएं हैं, और उन कथाओं का जो नायक है वो है अभय कुमार। राजा श्रेणिक का पुत्र था अभय कुमार, जो किसी तरीके से राज्य में स्थापित नहीं हो पाया, उसको बाहर देश निकाला मिल गया था, लेकिन बुद्धि में इतना चातुर्य उसके था कि कोई भी समस्या उसके सामने रखें तो तुरंत उसका हल हमारे सामने उपस्थित कर देता था। मैं सारी चीज़ें तो आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन उससे जो प्रश्न कुछ किए गए वो आपको उदाहरण के तौर पर एक दो रखना चाहता हूँ। जब वो अभय कुमार आया तो लोगों ने कहा भाई इसको दंड देना चाहिए, तो राजा ने कहा क्या दंड दें, तो उनके मंत्री ने कहा कि ऐसा करो कठिन से कठिन समस्या इसके सामने भेज दो, और अगर वो पूरा नहीं करेगा तो उसको और उसके गांव वालों, पूरे गांव वालों को सबको दंड दिया जाएगा। तो मंत्री ने एक समस्या भेज दी और कहा कि भाई तुम गांव में रहने वाले हो, हमारे राजभवन में तो सब कुछ है, हमारे राजकोष में सब कुछ है, लेकिन रेत की बनी हुई रस्सी नहीं है, बालू की बनी हुई रस्सी नहीं है, तुम रेत से रस्सी बना करके हमारे यहाँ भेज दो 8 दिन में, अन्यथा हम तुम्हारा पूरे गांव वालों को राजा जो है दंड देगा। अब सब घबरा गए कि रेत की रस्सी किसने देखी, कब बनी, कैसे बनेगी, क्या करें। तो सब अभय कुमार के पास गए कि भाई इसका जवाब भेजो। उसने कहा कोई बात नहीं, जवाब भेज देते हैं। और उसने जवाब क्या भेजा कि राजन हम लोग तो गाँव के बिना पढ़े लोग हैं, हमने कभी इस प्रकार की रस्सी देखी नहीं, तो आप ऐसा करें कि आपके राजकोष में जो रेत की रस्सी पड़ी हो वो हमारे यहाँ भिजवा दें, हम वैसी की वैसी बना करके आपको दूसरी रस्सी भेज देंगे। जब आप कहाँ से मिलता वो बात खत्म हो गई। इसी प्रकार से एक फिर मंत्री ने तंग करने के लिए उनको कहा भाई तुम्हारे गांव का जो कुआ है उसका पानी बहुत मीठा है, हमारे गाँव का जो कुआ है, हमारे शहर का जो कुआ है, उसका गाँव का उसका जो पानी है वो मीठा नहीं है, तो तुम अपने यहाँ के जो मीठे पानी का कुआ है वो हमारे शहर में ला करके ले आओ उसको, और यहाँ राजा को उसका उपयोग करने दो। अब कुएं को कैसे ले जाए, सारे नगरवासी सारे गांव के लोग फिर अभय कुमार के पास गए। अभय कुमार ने कहा कोई बात नहीं, उसने फिर चिट्ठी लिखी कि राजन हम गांव के रहने वाले बिना पढ़े लिखे लोग कभी शहर गए नहीं, हमारे गाँव का कुआं भी शहर नहीं गया, आप ऐसा करें या आप अपने यहाँ के कुएं को भेज दें, उसके साथ हम अपने यहाँ का जो पानी मीठे पानी का कुआ है वो आपके यहाँ भेज दें। ऐसी एक नहीं हजारों कथाएं प्राकृत कथा साहित्य में हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से
ये बुद्धि चातुर्य की कथाएं भी प्राकृत साहित्य में उपलब्ध हैं और ये हमारे बौद्ध चातुर्य को बढ़ाने वाली हैं। और भी कई प्रकार की विशेषताएं हमें प्राकृत कथा साहित्य में प्राप्त होती हैं। मैं आगे कुछ विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, उसके पूर्व अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं इस संबंध में। जय जीनेन डॉक्टर साहब, आप बहुत सुंदर व्याख्या आपने प्राकृत कथाओं पे की है। आप मुझे ये बताइए, प्राकृत साहित्य के प्रचार प्रसार में दक्षिण भारत में भी कुछ कार्य हो रहा है, कृपया इसकी जानकारी देंगे। अभी आपके समक्ष डॉक्टर सीमा जैन ने एक प्रश्न रखा और बड़ा सार्थक प्रश्न है कि हम बहुत समय से उत्तर भारत में प्राकृत के संबंध में, अपभ्रंश के संबंध में बहुत सा कार्य कर रहे हैं। उनकी एक जिज्ञासा ये हुई है कि दक्षिण भारत में भी क्या इस प्रकार के प्राकृत के संबंध में कोई कार्य हुआ है, कोई कार्य चल रहा है, कुछ वहाँ के विद्वानों का भी क्या योगदान इस प्राकृत कथा साहित्य के संबंध में, प्राकृत अध्ययन के संबंध में है। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 5 वर्ष तक श्रवण बेलगोला में राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन अनुसंधान संस्थान उसमें डायरेक्टर के रूप में रहा और वहाँ के जो निर्देशक, वहाँ के जो संचालक, वहाँ के संस्थापक परम पूज्य जगतगुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी हैं, उनका प्राकृत के प्रति बड़ा झुकाव है। प्राकृत की संरक्षण करने में, प्राकृत को आगे बढ़ाने में, प्राकृत के अध्ययन को गतिशीलता देने में उनकी बड़ी रुचि है और बड़ा श्रम उन्होंने किया है। उसी का परिणाम है कि वह जो संस्थान है जिसको निपसार कहते हैं, वह संस्थान इतने वर्षों से चल रहा है और उसमें प्राकृत का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा के माध्यम से, कन्नड़ भाषा के माध्यम से वहाँ पर चलाया जा रहा है। तो यह एक संस्थान ऐसा है जो प्राकृत के संबंध में शिक्षा की दृष्टि से भी, अनुसंधान की दृष्टि से भी और पब्लिकेशन की दृष्टि से भी, कई ग्रंथ भी वहाँ से प्रकाशित हुए हैं। आपको अभी चर्चा आप कर रहे थे कि पागत भाषा और ये प्राकृत टाइम्स, ये जो पत्रिकाएं अभी अनुराग जी ने और अरविंद जैन ने, अनेकांत जैन ने ये प्रकाशित की हैं, शुरू हुई हैं। इसके पूर्व 2 प्राकृत की पत्रिकाएं जिनको शोध पत्रिकाएं कहते हैं इस देश में प्रारंभ हो चुकी थी। एक दिल्ली से आचार्य श्री विद्यानंद जी ने प्राकृत विद्या नाम की शोध पत्रिका शुरू की थी और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस पत्रिका को प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। उदयपुर से 5 वर्षों तक हम वो पत्रिका निकालते रहे और अब वो प्राकृत की पत्रिका दिल्ली से प्रोफेसर वीर सागर जी और उनके सहयोगी उसको निकाल रहे हैं। इस श्रवण बेलगोला में दक्षिण भारत में भी एक प्राकृत की पत्रिका प्राकृत तीर्थ नाम से वहाँ हमने प्रारंभ की थी और जो जब तक मैं वहाँ रहा उस पत्रिका के अंक वहाँ से निकले, आगे भी उसको निकालने के विचार हैं। और भी कई इस प्रकार के प्रयोग प्राकृत को आगे बढ़ाने का दक्षिण भारत में हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे उत्तर भारत में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग है, बहुत पुराना विभाग है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में मैसूर में जैन विद्या और प्राकृत विभाग बहुत समय से, बहुत प्राचीन समय से चल रहा है और जिसका सौभाग्य उसके प्रोफेसर और अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्रोफेसर A.N. उपाध्याय को भी वहाँ मिला था और उनके समय में, उसके बाद भी उसमें कई लोगों ने कार्य किया और वह प्राकृत के विद्वानों को कन्नड़ माध्यम से PhD कराने में और कई कार्य कराने में आज भी सक्रिय हो रहा है। मुझे वहाँ का PhD गाइड में बनने का सौभाग्य मिला था और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उस दौरान 5-4 विद्यार्थियों ने वहाँ प्राकृत साहित्य में अपनी PhD मैसूर विश्वविद्यालय से प्रस्तुत की थी। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि न केवल श्रवण बेलगोला में बल्कि जो हमारा हुमचा भट्ट है, जहाँ पर भट्टारक डॉक्टर देवेंद्र कीर्ति जी स्वामी जी अभी वहाँ पर है, उन्होंने भी इस मैसूर विश्वविद्यालय से प्राकृत के जो कथा साहित्य है जिसको सम्यक कौमुदी कहते हैं, जैन कथा साहित्य, उसकी लोक कथाओं पर काम किया है, PhD प्राप्त की है। तो दक्षिण भारत में ये 2 प्रधान केंद्र हैं जहाँ से प्राकृत पर काम हो रहा है। और जैसा कि आपने पूछा, न केवल दक्षिण भारत में
कर्नाटक में बल्कि कोल्हापुर में एक जैन विद्या शोध संस्थान है जहाँ डॉक्टर सुजाता रोटे हैं और वो वहाँ की सारी महिलाओं को जोड़ करके और प्राकृत और जैन विद्या के संबंध में कोर्स भी चलाती हैं और वहाँ पर इस प्राकृत प्रचार का काम भी कर रहे हैं। सोलापुर में डॉक्टर महावीर शास्त्री हैं जो वहाँ प्राकृत के प्रोफेसर हैं, उनके माध्यम से भी वहाँ पर प्राकृत का और प्राकृत साहित्य का काफ़ी अध्ययन हो रहा है। वहीं दक्षिण भारत के ही प्रोफेसर डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जो कि आजकल दिल्ली में हैं, वो उन्होंने भी प्राकृत भूषण प्राकृत विद्याभूषण ट्रस्ट एक उन्होंने जो बना रखा है विद्याभूषण ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के माध्यम से भी वो प्राकृत के प्रचार प्रसार में प्रतिवर्ष व्याख्यान कराते हैं और पुरस्कार इत्यादि देते हैं। ये श्रवण बेलगोला एक ऐसा संस्थान है जो आज विश्व में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राकृत का जो है अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भारती प्राकृत पुरस्कार प्रदान करता है और देश विदेश के विद्वानों को प्रदान करता है, तो वो पुरस्कार 15-16 व्यक्तियों को अभी तक दिया जा चुका है। इसी प्रकार से बेंगलोर में प्रोफेसर हम्पा नागराजय्य हैं जो प्राकृत के प्रचार प्रसार में कन्नड़ और अंग्रेजी के माध्यम से लगे हुए हैं और उन्होंने सठखंडागम में जो इस प्रकार का साहित्य आया हुआ है उसका जो विशेषताएँ हैं वो अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने प्राकृत के प्रचार प्रसार में अपना कार्य और उनकी मिसेज प्रोफेसर कमला हम्पाना ये लोग वहाँ के प्राकृत के प्रचार प्रसार के कार्य में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में जो आपने पूछा, मुझे लगता है कि जितना उत्तर भारत में कार्य होता है, हमारे सारे आचार्य तो दक्षिण भारत के हैं ही हैं और उन्होंने प्राकृत के सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वर्तमान में भी दक्षिण भारत में इस प्रकार का कार्य हो रहा है। कई जगह कार्य प्रारंभ हुए लेकिन हम उसको जीवित नहीं रख पाए, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। मेरा एक सौभाग्य मिला था हैदराबाद जाने का। हैदराबाद में प्रोफेसर के कमला थी और वो संस्कृत विभाग की प्रोफेसर थी, लेकिन उन्होंने प्राकृत के गाथा सप्तशती और लोक जीवन भारत के लोक जीवन इस पर पुस्तकें लिखी और उनका एक प्राकृत का एसोसिएशन भी था जो प्राकृत की कविताओं को वहाँ के जो आंध्र की जो भाषा है उस भाषा में उसका अनुवाद करती थी। और मुझे कहने में एक प्रसन्नता और हो रही है कि इसी दक्षिण भारत में ही श्रवण बेलगोला से ही जब मैं वहाँ पर था और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का चतुर्मास वहाँ पर था, तब विद्वानों की एक समिति ने वहाँ पर भारतीय प्राकृत स्कॉलर सोसाइटी इस संस्था की स्थापना की थी जो 7-8 वर्षों से निरंतर चल रही है और जिसमें देश विदेश के प्राकृत के विद्वान जिससे जुड़े हुए हैं और जिनका कार्य बराबर चल रहा है। तो इस तरीके से प्राकृत कथा साहित्य के वैशिष्ट ने इतना प्रभावित लोगों को देश विदेश में उत्तर में और दक्षिण में किया है कि जिससे हम प्राकृत कथा साहित्य की विशेषताओं को जान सकते हैं। मैं कुछ विशेषताओं के संबंध में और चर्चा आपसे करूं, इस संबंध में अगर कोई और जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। प्राकृत कथा साहित्य बहुत विशाल है, उसमें आज के जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या संदेश है, कृपया प्रकाश डालें। अभी आपके समक्ष डॉक्टर सरोज जैन ने बड़ा सुंदर प्रश्न रखा कि हम प्राकृत कथा साहित्य के वैशिष्ट पर चर्चा करें, इस पर विस्तृत साहित्य भी हमारे सामने उपलब्ध है, उससे भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य विषय हमारे सामने ये है, मुख्य समस्या हमारे सामने ये है कि जो प्राकृत का इतना विशाल साहित्य है, कथा साहित्य है, दूसरा साहित्य है, वो हमारे जीवन को कैसे सुखद बना सकता है, उसमें ऐसे क्या मूल्य हैं जो मूल्य हमारे जीवन को आज भी सुखद बना सकते हैं। तो वास्तव में प्राकृत कथा साहित्य की एक विशेषता ये है कि हमें इसने यथार्थ से परिचित कराया है, हमारा जीवन वास्तविक क्या है इससे परिचित कराया, कल्पना में हमको नहीं रखा। प्राकृत साहित्य के कथा साहित्य की विशेषता यह है कि इसने हमें यह बताया कि जीवन को हम सही रूप में समझें। जीवन को अगर सुखी रखना है तो पहले जीवन को सही रूप में समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्राकृत कथाओं ने हमें समझाया, हम कोई भी प्राकृत कथा पढ़ते हैं और प्राकृत कथाकार जब व्यापारी की कथा कहते हैं तो वो समुद्र में जहाज लेकर के यात्रा के लिए निकलता है,
मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने जितनी कथाएं पढ़ी, जितनी कथाओं पर काम किया, जो भी व्यक्ति समुद्र यात्रा को निकला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ कि जिसका समुद्र जहाज में टूटा ना हो। हर एक व्यक्ति जहाज से गया और जहाज टूटा, जो समुद्र के थपेड़े हैं, और टूटने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति मुझे पात्र नहीं मिला कि जो समुद्र में डूब गया हो। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किनारे पर लग गया और अपने नगर वापस लौट आया। ये केवल कथा नहीं है, ये हमें इस यथार्थ से परिचित कराती है कि जीवन में संघर्ष जरूरी है। बिना घटना के जीवन नहीं रह सकता, ये मान लेना चाहिए। हम लोग सोचते हैं हमारा सीधा साधा जीवन चल जाए, सीधी लकीर की तरह चल जाए, तो ये संभव नहीं है। घटनाएं होंगी, संघर्ष होगा, और हम ये मान के चलें कि हम परमानेंट सुखी हो जाएं, हमेशा हमें हमारे पास सुखी बना रहे, हमेशा संपत्ति बनी रहे, ये भी नहीं हो सकता है। तो जीवन अस्थिर है, यह भी हमें मानना पड़ेगा। और जो हमारा व्यक्तिगत सुख है, ये हमेशा बना रहने वाला नहीं है, ये क्षणिक है। ये तीन चार पॉइंट, तीन चार बिंदु हमें प्राकृत कथा साहित्य की जो कथाएं हैं वो हमें सिखाती हैं। और इसमें एक प्रसिद्ध कथा है, मधुबिंदु दृष्टांत की कथा। ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है। मधुबिंदु दृष्टांत का मतलब है मधु माने स्वाद और शहद की बूंद। उसका दृष्टांत संस्कृत वालों ने दिया, प्राकृत वालों ने दिया, अपभ्रंश वालों ने दिया, कलाकारों ने दिया, चित्रकला में मिला। मैंने इस पर एक लेख मधुबिंदु दृष्टांत की यात्रा करके एक प्रकाशित किया। यह दृष्टांत हमें यह बताता है कि हम जीवन में कहीं भी भटकते जाएं, हमारे पीछे मृत्यु निश्चित रूप से पड़ेगी, वो आएगी, और उस मृत्यु से निपटने का हमें स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। चारों तरफ हमारे पास संघर्ष है, लेकिन क्या होता है इस मधुबिंदु दृष्टांत में, ऊपर जो छत्ता लगा है मधुमक्खियों का, उससे जो एक शहद की बूंद उस संकटपूर्ण व्यक्ति के मुख में पड़ती है, वो समझता है यही जीवन का सुख है, और उस सुख के पीछे वो सारे संकटों को भूल करके वहीं लटका रहता है। ये कथा इतनी हमें शिक्षा देती है कि वास्तव में सुख है लेकिन वो क्षणिक है, उसके पीछे हमें संकटों से घिरा नहीं रहना है, संकट से उभर करके हमको वापस बाहर आना है। तो इस तरीके से इन प्राकृत की कथाओं में जो हमें जीवन को सुखद बनाने के जो मूल्य प्राप्त होते हैं, उसमें मूल्य एक प्राप्त होता है कि हम यथार्थता में जिए। दूसरा हमें एक और इन प्राकृत कथा साहित्य में एक हमें पद्धति मिलती है, और वो पद्धति ये मिलती है कि जीवन यापन का सही तरीका क्या है। हम जीवन जीते हैं, अपने अपने ढंग से जीते हैं, और हमें लास्ट में पता चलता है कि हम गलत थे, जब हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम अपने को सही कर सके। तो हमें प्राकृत कथा साहित्य में एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है, वो है सटलेश्य वृक्ष। सटलेश्य वृक्ष का मतलब है कि छह, सट माने छह, और लेश्य हमारे मन की भावनाएं। मन की छह हमारी जो भावनाएं हैं वे हमारे जीवन को नियमित करती हैं, नियमन करती हैं, हमें कैसे चलाती हैं, ये रास्ता बताती है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने जीवन को संतोष से जिए, हम अपने जीवन को कम से कम चीज़ों में अपना जीवन यापन करें, हम मिनिमाइजेशन कितना कर सकते हैं, ये हमें इस सटलेश्य वृक्ष के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। समय उतना नहीं है कि मैं पूरी कथा आपको बताऊं, लेकिन इस पर कई मैंने निबंध लिखे हैं, कई जगह इसकी चर्चा की है, कई चित्रकार ने इस पर चित्र बनाए हैं, और हमें ये बताते हैं कि वास्तव में हमें जो सहज उपलब्ध है, जैसे अभी चर्चा हुई थी कि हमारे लोकल में जो कुछ उपलब्ध है, हमारे स्थानीय जो उपलब्ध है, उससे हम अपना जीवन यापन करें, उसको हम महत्व दें, इधर उधर की चीज़ों को हम आकर्षण में ना जाएं। ये वास्तव में हमें इस प्राकृत कथा साहित्य ने ये सिखाया है कि हमें जो उपलब्ध है और हमारी जितनी ज़रूरत है, उतना हमारा आसपास के जीवन में हमें वो चीज़ें उपलब्ध हैं, तो क्यों ना हम उनसे अपने जीवन को बचा लें, अपने जीवन को चला लें। तो इस प्रकार से मिनिमाइजेशन, जिसे कहते हैं कि कम से कम साधनों में अपने जीवन को चलाना, अगर हम ऐसा करें तो हम प्राकृत कथाओं में से अपने जीवन को जो सुखी बनाने के सूत्र हैं वो सूत्र हम खोज सकते हैं।
हमें एक छोटा सा और उदाहरण मिलता है प्राकृत कथा साहित्य में कई जगह, और ये कहा गया कि हम जीवन जीते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, व्यापार करते हैं, बाहर जाते हैं, गमन करते हैं, इन सब में जो क्रिया करते हैं उनमें हिंसा होती है, क्योंकि जीव सब जगह भरे हुए हैं, और हम कोई भी हाथ हिलाएंगे तो भी हिंसा होगी, भोजन करेंगे तो भी हिंसा होगी, खेती करेंगे तो भी हिंसा होगी, तो हम कैसे अहिंसक रह करके और जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसमें एक बड़ा सुंदर ढंग से हमें एक उदाहरण दिया गया और प्राकृत कथाकार ने एक छोटा सा हमें सूत्र दिया, और उन्होंने कहा जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयम भुंजंतु भासंतो पाप कम्मम न बंधे। कथाकार तो ये कहता है कि जयम का मतलब है जतन पूर्वक, सावधानी पूर्वक, हम रास्ते में चलते हैं और पत्थर पर ठोकर मारते हुए चलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, अपने जूते से चीजों को उड़ाते हुए चलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो वो कहता है नहीं जयम चरे, हम यत्न पूर्वक चले, कहाँ हमें जाना है कहाँ नहीं जाना है ये हम सावधानी रखें। आज जो हमें बताया जा रहा है कि हम घर पर रहें, ये सावधानी है, किससे सावधानी है कि हम अपने जीवन में बीमारी को ना आने दें ना दूसरे को उस बीमारी से पीड़ित करें, तो सावधानी रखना ये बहुत बड़ी बात हमें इस गाथा में प्राकृत कथाकार ने कहा कि जयम चरे, हम सावधानी पूर्वक चले, चाहे घर पे चले चाहे बाहर चले। जयम चिट्ठे, हम बैठे, कई बार हम ऐसी जगह बैठ जाते हैं कि जहाँ चींटियां हैं उसके ऊपर बैठ गए, कई जगह जहां हमें नहीं बैठना चाहिए था वहां बैठ गए, जहां हमारे संस्कार के हिसाब से हमको नहीं जाना चाहिए वहां बैठ गए। तो कहते हैं कि सावधानी पूर्वक बैठे, जय माँ से जतन पूर्वक सावधानी पूर्वक खाएं। आज हमारी सारी बीमारी का जड़ क्या है कि हमने असावधानी पूर्वक ऐसी चीजों को खा लिया कि जिससे हम आज बच नहीं पा रहे। तो हमें ये गाथा कहता है, प्राकृत कथा का कहता है कि खाने में भी सतर्कता रखना, सावधानी रखना, जतन पूर्वक उसको खाने का हम प्रयत्न करें। कई बार हम सोते हैं, बाबा रामदेव जी कहते हैं सोने के तरीके क्या हों, तो प्राकृत कथा का 2000 साल पहले कहता है कि जयम सहित सावधानी पूर्वक सोएं, और जयम भुंजंतो, भुंजंतो का मतलब है वही खाना, कि हम खाते हुए। और एक और बड़ी बात कह दी, हमारी आज सबकी बड़ी लड़ाई क्या है, बोलने की लड़ाई है, हमारी वाणी लड़ाई कराती है, हम ऐसे अनर्गल बातें बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो कहते हैं जयम भासंतो, बोलते समय भी सावधानी रखें। तो हमारे जीवन की जितनी ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में अगर हम सावधानी रखेंगे तो हम पाप कर्म को नहीं बांधेंगे। पाप कर्म का मतलब है ना तो हमारे पास बुराई आएगी, ना हमारे पास बीमारी आएगी, ना हमारे पास किसी की निंदा आएगी। तो इस तरीके से अगर हमें अपने जीवन को सुखद बनाना है, तो प्राकृत कथाकारों ने हमें ये सूत्र हमारे जीवन में दिए हैं जिनको हम अपना सकते हैं और इससे हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। वास्तव में बहुत संक्षेप में हमारे सामने ये बात कही गई है कि हम देखें, हमें आज हम रामायण महाभारत देखते हैं, ये हमारी कथाएं हैं, इन कथाओं में क्या देखते हैं कि अगर हम अधिकार को त्याग देते हैं तो रामायण बन जाती है, और अधिकारों को मांगते हैं तो महाभारत हो जाती है। तो मांगना और त्यागना, इसकी भी हमें सचेतता रखनी है, सावधानी रखनी है। और दूसरी बात, एक बात हमें जैन कथाकारों ने और बताई, मैं उतनी बात आपको कह के अपनी बात संक्षेप करना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा। और ये बताया कि जिंदगी में कुछ भी करो, तुम गृहस्थ हो, श्रावक हो, तो ये चार चीज़ें तुम्हें जरूर करनी है। चार चीज़ें क्या करनी है कि चार प्रकार का दान अगर आप देते हैं तो आप सच्चे गृहस्थ हैं, सच्चे श्रावक हैं। और क्या है, एक तो औषधि दान, एक शास्त्र दान, एक अभय दान, एक आहार दान। औषधि का मतलब है कि हमारा जितना प्रयत्न हो, हमारे पास जितने साधन हो, हम ये प्रयत्न करें कि हमारे आसपास कोई बीमार ना रहे, हम उसकी सेवा करें। शास्त्र दान का मतलब है कि हमारे पास कोई अज्ञानी ना रहे, जितना हम दे सकते हैं ज्ञानी बनाने का प्रयत्न करें। अभय दान का मतलब क्या है कि हम अपना ऐसा जीवन जिए कि दूसरों को जीने में तकलीफ ना हो, दूसरों को जीने में भय ना लगे, हमारे कारण से
भय पैदा ना हो। और अंतिम है कि हम जितना स्वयं भोजन करते हैं, जितना स्वयं उपभोग वस्तुओं का करते हैं, आहार दान, हम दूसरों को उतना थोड़ा बहुत भी जो हमसे हो सकता हो दूसरों को भी भोजन देते रहे, आहार देते रहे। तो इस प्रकार से जीवन को सुखद बनाने के ऐसे कई साधन हमारे सामने दिए गए हैं। एक बात मैं और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि प्राकृत में ऐसे कई कथा कोश लिखे गए हैं और कई हजार कथाएं हमारे इन कोशों में संग्रहित हैं। हमारा काम अभी जो अधूरा रह गया है प्राकृत कथा साहित्य का, वो ये रह गया कि प्राकृत की कथाओं का कोई बृहद कोश नहीं बना। एक मेगा प्रोजेक्ट जो बनना चाहिए कि था या कई भागों में कि प्राकृत के कथा कोश हम एकत्र करते, तो आज हमारी भारतीय संपदा, हमारी भारतीय कथाएं, हमारी लोक कथाएं हमारे बीच जीवित रह जाती, आगे भी जीवित रहेंगी। तो एक प्रयत्न ये हमारे बीच होना चाहिए कि प्राकृत का मेगा प्रोजेक्ट, प्राकृत कथा कोश के निर्माण की परंपरा हमारे बीच में चले। और अभी आपने जैसे पूछा कि जीवन को सुखद कैसे बनाएं, तो एक बात और हमें प्राकृत कथा साहित्य में कही गई है और वो ये बताई गई है कि हम जीवन में बहुत भरे हुए हैं, हमारे जीवन में खालीपन नहीं है। हमारा शरीर भरा हुआ है तो मोटापा है, बीमारी है। हमारा मन खाली नहीं है तो हम नकारात्मक विचार भरे हुए हैं। हमारा घर खाली नहीं है तो अनावश्यक चीजें हमारे घर में संग्रह में पड़ी रही हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति खाली नहीं है, समय नहीं है व्यक्ति के पास, वो इतना बाहर घूम रहा है कि कहता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भाई खाली बनने का भी प्रयत्न करो, जब तक तुम खाली नहीं होगे तब तक तुम्हारे भीतर कोई अच्छी चीज स्थायी नहीं रहेगी। तो खाली करने का हमें एक बड़ा सुंदर शब्द प्राकृत कथाकारों ने दिया है और वो प्रतिक्रमण शब्द है। प्रतिक्रमण का मतलब है जहां जहां हम बाहर चले गए हैं, अनधिकृत क्षेत्रों में चले गए हैं, जहां हमें नहीं जाना चाहिए था वहां चले गए हैं, वहां से हमको वापस लौटना है। ये जो वापस लौटने का जो हमें संदेश इन प्राकृत कथाकारों ने दिया है, ये उनकी खास विशेषता है कि वो हमें समस्या में नहीं छोड़ते हैं, हमें समाधान में पीछे लाते हैं। और आज तो हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आज बिना डिलीट किए हमारा काम नहीं चलता। आज अगर हम मोबाइल भर गया है तो डिलीट करना है, कंप्यूटर भर गया है तो डिलीट करना है। तो डिलीट करने की जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया हमें प्राप्त मिली है, वो 2000 साल पहले हमारे प्राकृत कथाकारों ने प्रतिक्रमण शब्द के द्वारा हमें डिलीट करने के लिए किया है, अर्थात खाली रहने के लिए किया है। और अगर हम खाली रहते हैं तो इस तरीके से हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। उस इस प्रकार आज हमारे सामने जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है, आज हमारे पास कोरोना की जो समस्या है, उससे निपटने के लिए भी हमें इस प्रकार का प्रयत्न करना है, सरकार के अनुदेशों को मानते हुए अपने जीवन को सीमित करना है। और एक बात मैं अंतिम में कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत से कार्य कर रही है और बहुत सी भाषाओं के लिए कर रही है, बहुत से साहित्य के लिए कर रही है, कई प्रकार की समितियाँ, कई प्रकार की अकादमियाँ सारे राजस्थान में, सारे देश में, कई प्रांतों में है, लेकिन प्राकृत की कोई अकादमी आज तक सरकार की तरफ से नहीं खुली। इसी प्रकार से एक राष्ट्रीय प्राकृत संस्थान की स्थापना आज तक सरकार के द्वारा नहीं हुई, जबकि हमारी शिक्षा नीति की ये प्राथमिकता है कि हम प्राकृत भाषा के विकास के लिए एक राष्ट्रीय प्राकृत संस्थान की स्थापना करें। तो मैं आज के इस अपने वक्तव्य में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की जो हमारी प्राकृत कथा साहित्य, उसको लोगों तक, और हम भारत के इतिहास की सामग्री है उसको सुरक्षित करें। मुझे अरहंत अनुरागी और उनके ग्रुप इस कार्यक्रम की सार्थकता है, और यही हमारा मंतव्य भी है कि जो प्राकृत को जानते हैं अथवा नहीं भी जानते हैं, जो इससे अनभिज्ञ हैं, वो भी इन व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से, जो कि हम चला रहे हैं, उस माध्यम से प्राकृत भाषा से परिचित हो सकें, उससे रूबरू हो सकें, उसके इतिहास से परिचित हो सके, उसके व्याकरण को जान सके। उसके एक इंग्लिश वर्जन भी है, प्राकृत प्राइमर, जो कि
नवोदित जो प्राकृत भाषा के क्षेत्र में जो प्रवेश कर रहे हैं, जो सीखने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें आप प्राकृत के प्रयोग, आपके जो संभाषण आप कर सकते हैं उसके व्याकरण को पढ़कर, बहुत ही सरल और बहुत ही सरल तरीके से उसमें समझाया गया है। सर ने अनेक साहित्य रचनाएं भी की हैं, बहुत सारी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और मैं सर का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज हमारे इस व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित होकर हमें उन्होंने अनुग्रहित किया है, और आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। हम उपस्थित होंगे नए विशिष्ट विद्वान के साथ, एक नए विषय के साथ, और आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज्ञा चाहता हूं, नमो जिनानम, नमो जिनानम।